हरे कृष्णा। अपने लास्ट एपिसोड में मैंने आपको राजा दक्ष की कहानी सुनाई थी और दक्ष का बताया था कि 10,000 पुत्र थे, फिर 1,000 पुत्र हुए, फिर उनकी 60 कन्याएं हुई थी। 60 कन्याओं को उन्होंने 13 कन्याएं कश्यप जी के साथ, 27 कन्याएं चंद्रमा जी के साथ और बाकी कन्याएं भी 11 कन्याएं धर्म के साथ। इस प्रकार उन्होंने अपने 60 कन्याओं के अलग अलग ऋषि मुनियों के साथ विवाह करा थे, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याही थी, उसमें से सबसे ज्यादा चंद्रमा रोहिणी से प्यार करते थे और तब दक्ष ने उनको शाप दिया था, जिसकी वजह से चंद्रमा 15 दिन जो उनका वो बढ़ते हैं और 15 दिन वो घटते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 13 जो कन्याएं थी दक्ष की, उनकी विवाह कश्यप ऋषि के साथ हुआ था। तो कश्यप ऋषि के साथ जो विवाह हुआ था, उन कन्याओं में जो 13 कन्याएं जो थी, उनमें प्रमुख जो थी वो आदित्य से 12 सूर्य हुए थे। तो 12 सूर्यों के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि जो सूर्य वंश चला है, वो 12 सूर्यों में जब सबसे बड़े सूर्य थे विवस्वान, मतलब उनके जो पुत्र जो थे, सबसे बड़े पुत्र जो विवस्वान थे, उनके जो पुत्र थे वैवस्वत मनु, उनके जो आगे वंशज चली थी वही फिर सूर्य वंश कहलाए थे। मगर इससे अलग हटके, क्योंकि सूर्य वंश जब मैं शुरू करूंगी तो फिर मैं उसको बीच में रोक नहीं सकूंगी और सूर्य वंश की बहुत लंबी डिस्क्रिप्शन आएगी, तो इसलिए उससे पहले मैं आपको विवस्वान जो मनी जो थे सूर्य जो थे उनको अभी बाद में हम डिस्कस करेंगे। विवस्वान के बाद एक जो सूर्य थे उनका नाम त्वष्टा भी था, जो मैंने आपको 12 सूर्य के नाम बताए थे उसमें से एक का नाम त्वष्टा भी था। तो आज हम त्वष्टा के बारे में स्टोरीज सुनेंगे। जो त्वष्टा जो थे सूर्य, जो त्वष्टा थे, उनका जो विवाह हुआ था वो दैत्यों की छोटी बहन रचना के साथ हुआ था त्वष्टा का। और रचना के त्वष्टा से 2 पुत्र हुए थे, एक का नाम था सन्निवेश और एक का नाम था विश्वरूप। तो आज हम विश्वरूप की कहानी मैं आपको सुना रही हूँ। विश्वरूप को ही देवताओं ने बृहस्पति जी के देवताओं का परित्याग करने पर अपना गुरु बनाया था। मतलब बृहस्पति जी, एक बार देवताओं से, ये आपको मैं कहानी बताऊंगी कि जिसमें बृहस्पति जी देवताओं से किस वजह से वो नाराज हो जाते हैं, और देवताओं के पास जब उनका कोई गुरु नहीं रहता तो वो विश्वरूप को, जो त्वष्टा के और रचना के पुत्र थे, उनको वो किस प्रकार से अपना गुरु बनाते हैं। तो इसके लिए इसकी कहानी में क्या है कि एक बार बृहस्पति जी अपने शिष्य देवताओं की सभा में गए। देवताओं जो उनके शिष्य हैं सारे, तो बृहस्पति जी उनके सभा में गए तो इंद्र को त्रिलोकी का ऐश्वर्य पाकर घमंड हो गया था। इस कारण जब वे शची के साथ ऊंचे सिंहासन पर बैठे थे और सभी मरुदगण आदित्यगण उनकी सेवा में उपस्थित थे, उस समय बृहस्पति जी के वहां आने पर सभी उनके आदर में खड़े हो गए, किंतु इंद्र खड़े नहीं हुए। बृहस्पति जी तब वहां से नाराज होकर चले गए और अपने योग बल से अंतर्ध्यान हो गए। उस समय इंद्र को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। तब इंद्र ने उन्हें बहुत ढूंढा किंतु वे नहीं मिले। यह बात असुरों को पता चल गई। तब असुरों ने अपने गुरु शुक्राचार्य के आदर्श अनुसार देवताओं पर विजय पाने के लिए धावा बोल दिया। मतलब जब देवताओं का कोई गुरु नहीं था, जब बृहस्पति जी देवताओं से नाराज होकर चले गए थे तो अब उनके पास कोई गुरु नहीं था, तो यह बात असुरों को पता चल गई। तो असुरों ने उनके गुरु जो शुक्राचार्य थे उनके आदेश के अनुसार उन्होंने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। उस समय ब्रह्मा जी के ने आकर इंद्र को त्वष्टा सूर्य के पास जाने को कहा और उनके पुत्र विश्वरूप को अपना गुरु वरण करने के लिए कहा। अब असुरों ने उन पर अटैक कर दिया था, तो उस समय देवताओं के पास कोई गुरु नहीं था। फिर ब्रह्मा जी ने आकर इंद्र देवता को बताया कि तुम त्वष्टा सूर्य के पास जाओ और उनके जो पुत्र हैं विश्वरूप जो हैं, आप जाकर उनको अपना गुरु वरण कर लीजिए। विश्वरूप पहले तो तैयार नहीं हुए क्योंकि देवताओं के बहुत आग्रह पर फिर वो मान गए। विश्वरूप जी ने असुरों पर विजय प्राप्त करने के लिए वैष्णवी विद्या के प्रभाव से असुरों से सारी संपत्ति छीनकर देवराज इंद्र को दिला दी थी। तो उन्होंने एक वैष्णवी विद्या का के प्रभाव से सारे के सारे जो असुर जो सारे का सारा उनकी संपत्ति छीन कर ले गए थे, उनको वापस इंद्र देवता को वो सब कुछ दिलवा दी थी।
और वो वैष्णवी विद्या क्या थी, वही नारायण कवच, वो नारायण कवच था जिससे उनमें इतनी शक्ति आई थी। तो वही नारायण कवच के उपदेश से इंद्र को विजय प्राप्त हुई थी। यह नारायण कवच जो है ये बहुत बड़ा नारायण कवच है, इसमें अलग अलग स्रोत्र हैं और भगवान को, नारायण को कैसे प्रसन्न करा जाता है और कैसे सिंहासन पर बैठा जाता है, आसन पर बैठकर किस प्रकार से व्रत करा जाता है। तो ये बहुत लंबा एक नारायण कवच के नाम से है, जो आपको अगर आप भागवतम पढ़ना चाहेंगे तो उसके अंदर ये 374 पेज नंबर पर आपको मिलेगा। और अगर आप ये मुझसे सुनना चाहते हैं तो ये मैं आपको आपकी रिक्वेस्ट पर ये किसी भी दिन आपको मैं सुना दूंगी। तो ये वही जो नारायण कवच था, इसको पढ़ने से, इसको धारण करने से जो विश्व रूप थे उन्होंने देवताओं को, जो इंद्र देवता थे उनको उनका वापस सारे राज्य लौटाया था। इसी नारायण कवच को धारण करने वाला व्यक्ति जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है, ये नारायण कवच की अहमियत बताई गई है इसके अंदर कि जो इसको धारण करने वाला व्यक्ति यदि अपने नेत्रों से जिसे भी देख लेता है अथवा पैर से छू भी लेता है, वह उसी समय समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। प्राचीन काल की बात है, एक ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारण से अपना शरीर त्याग दिया था। जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा हुआ था उसके ऊपर से एक दिन गंधर्व राज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर वहां से निकल रहे थे। वहां आते ही वह विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। जब उन्हें मुनियों ने बताया कि वे नारायण कवच धारण किए हुए थे, तब चित्ररथ ने उनके हड्डियों को ले जाकर सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर अपने लोक में चले गए थे। मतलब नारायण कवच जिसने भी धारण, उस ब्राह्मण ने जिसने नारायण कवच धारण करा था, उसकी मृत्यु के बाद जो उसका शरीर जो पड़ा हुआ था उसके अंदर भी इतनी शक्ति थी कि जब विमान से जो गंधर्व जा रहे थे तो उनका विमान भी उनके ऊपर से उड़ते समय वो वापस आकर नीचे गिर गया था। और जब उनको पता लगा कि ये किसी ब्राह्मण की अस्थियां हैं तो उन्होंने उसको ले जाकर नदी के अंदर प्रवाहित कर दिया था। तो नारायण कवच का इतना ज्यादा महत्व है। अब आगे क्या है कि विश्व रूप का वध कैसे हुआ है, और व्रतासुर द्वारा देवताओं की हार और भगवान की प्रेरणाओं से देवताओं का दधीची ऋषि के पास जाना। तो ये आगे कंटिन्यूशन में स्टोरी है। अब विश्वरूप जो थे उनके तीन सिर थे, वह एक मुंह से सोमरस, दूसरे मुंह से सुरा पीते थे और तीसरे मुंह से अन्न खाते थे। उनके पिता त्वष्टा जो थे वो देवता थे और उनकी जो माता थी रचना वो दैत्य थी। जो विश्वरूप थे, विश्वरूप की जो माता रचना थी वो दैत्य थी, इसलिए जो विश्वरूप जब इंद्र देवता का जब यज्ञ किया करते थे तो उस समय वो चुपचाप अपनी माता जो थी, दैत्य जो थी, उनके नाम का, मतलब असुरों के नाम की वो आहुति उस यज्ञ के अंदर दे देते थे जो कि इंद्र देवता करवाया करते थे। तो एक बार इंद्र देवता को ये पता चल जाता है कि विश्वरूप इस प्रकार उनके हवन के अंदर असुरों के नाम का आहुति देते हैं, तो इंद्र देवता आके विश्वरूप के तीनों सिर काट डालते हैं। जब विश्वरूप की मृत्यु हो जाती है और उनके पिता जो त्वेष्टा थे, त्वेष्टा सूर्य जो उनके पिता थे, उनको पता चलता है, तो वो जो देवता थे उनसे बदला लेने के लिए एक हवन करते हैं। उस हवन से एक राक्षस उत्पन्न होता है, एक दैत्य प्रकट होता है जिसका नाम था व्रतासुर। उस समय बड़े बड़े देवता उस पर टूट पड़ते हैं क्योंकि व्रतासुर उन देवताओं को मारने के लिए आता है, तो देवता भी उससे लड़ाई करते हैं, मगर जो देवताओं के जो अस्त्र शस्त्र होते हैं वो व्रतासुर ऐसे ही निगल जाता है और देवता कुछ नहीं कर पाते। तो उस समय जो देवता थे वो भगवान श्री हरि के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं और उनसे कहते हैं कि उन सबको, देवताओं को व्रतासुर से भगवान बचाएं। तो उस समय नारायण के कहने पर सभी देवता ऋषि दधीची के पास जाते हैं क्योंकि श्री हरि ने उनसे कहा था कि व्रतासुर को सभी देवताओं को सिर्फ दधीची के मृत शरीर की हड्डियों से बना शस्त्र ही मार सकता है, क्योंकि उनका शरीर उपासना, व्रत और तपस्या के कारण अत्यंत दृढ़ हो गया है। नारायण कवच जो कि विश्व रूप ने देवताओं को असुरों से बचाने के लिए बताया था, जब बृहस्पति जी के नाराज होने पर वो देवताओं के गुरु पद को त्याग चुके थे, वही नारायण कवच विश्व रूप ने अपने पिता सूर्य त्वष्टा से सीखा था। मतलब ये जो नारायण कवच से उन्होंने जो अपने को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया था विश्व रूप ने, वो नारायण कवच के बारे में बताया गया है कि वो नारायण कवच जो था उन्होंने अपने पिता त्वष्टा से सीखा था, वो नारायण कवच।
और त्रेष्ठा ने वही नारायण कवच ऋषि दधीचि से प्राप्त करा था, इसलिए दधीचि ऋषि अत्यंत बलशाली थे। ऋषि दधीचि से जब देवताओं ने जाकर उनका शरीर मांगा, उस समय दधीचि ने प्रसन्नता पूर्वक अपना शरीर त्याग दिया था, क्योंकि वह जानते थे कि इस शरीर का साथ तो एक दिन स्वयं ही छूट जाएगा। दधीचि की हड्डियों का विश्वकर्मा जी ने वज्र बनाया, जो विश्वकर्मा थे उन्होंने उसकी हड्डी, जब दधीचि मर गए तो उनकी अस्थियों का उन्होंने एक वज्र बनाया। इंद्र ने देवताओं सहित जब उस वज्र से व्रतासुर व उसकी असुरों की सेना पर प्रहार किया, तब बहुत देर तक लड़ने के बाद व्रतासुर के शरीर पर इंद्र ने जब प्रहार किया, तब व्रतासुर ने नारायण को याद कर उनकी भक्ति व स्तुति की और उनसे प्रार्थना की कि वह हर जन्म में श्री हरि की भक्ति करे। मतलब व्रतासुर ने भी अंत समय के अंदर श्री हरि को ही याद करा। उस समय व्रतासुर ने अपने प्राण त्याग दिए थे। इंद्र पर ब्रह्म हत्या का पाप जो लगा था, जब सभी देवता इंद्र के पास व्रतासुर का वध करने के लिए कहने लग गए थे, उस समय पहले इंद्र ने मना किया था कि विश्वरूप की ब्रह्म हत्या का पाप तो जो मुझे पहले ही एक पाप लग चुका है, तो अब ये दोबारा से मैं एक इस बार में फिर ब्रह्म हत्या करूंगा तो स्वयं इस पाप का भागीदार हो जाऊंगा। मतलब पहले तो विश्वरूप को मारा था, अगर अब मैं इनको दोबारा से मारता हूं तो मेरे को दोबारा से ब्रह्म हत्या लगेगी। उस समय ऋषियों ने इंद्र को कहा कि वे इंद्र से अश्वमेघ यज्ञ करवाएंगे, जिससे वह सब पापों से मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार अश्वमेघ यज्ञ करने के बाद इंद्र फिर से पूजनीय हो गए थे। तो इस प्रकार आज मैंने जो आपको कहानी सुनाई है, ये विश्वरूप की कहानी सुनाई है, जो विश्वरूप जो थे इन्होंने किस प्रकार से देवताओं का साथ दिया था और कैसे ये देवताओं ने इन्हें गुरु बृहस्पति जी के नाराज होने पर अपना गुरु इन्होंने देवताओं ने विश्वरूप को बनाया था। आज की कहानी मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ और नेक्स्ट एपिसोड के अंदर नई नई स्टोरीज के साथ मैं आपसे वापस मिलती हूँ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।